लास्ट टाइम किया था, व्हाट इज डिविनेशन, व्हेन वी आर कनेक्टेड कनेक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अवर ऑरिक एनर्जी. ठीक है, स्टोन डिविनेशन हम बहुत टाइप से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं डिविनेशन करने के, जैसे रूनस होते हैं, है ना, ऑलरेडी हमारे अकेडमी में हो चुका है रूनस, क्योंकि वो भी एक काइंड ऑफ अ स्टोन डिविनेशन है. हम डिविनेशन किस लिए करते हैं? टू नो विच वी डोंट नो, टू नो समथिंग विच कैन हैपन इन फ्यूचर एंड विच कैन बी द पॉसिबल रीजंस ऑफ द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, है ना. हमें वो चीज जाननी होती है जो हमें नहीं पता. तो डिविनेशन के लिए हम टैरो यूज कर सकते हैं, जैसे कप रीडिंग होती है, क्लाउड रीडिंग होती है, एंजल्स होते हैं, कार्ड रीडिंग्स होती है, बहुत बहुत तरीके से हम डिविनेशन करते हैं. और जो स्टोन डिविनेशन है, दैट इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल वे ऑफ डूइंग डिविनेशन. इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, दे आर द इजिएस्ट वे. हम क्रिस्टल्स को एज अ टैरो भी बना सकते हैं. वी कैन डिनोट ऑल द क्रिस्टल्स, दैट जो टैरो की, टैरो कार्ड्स की जो डिनोमिनेशन होती है, हम क्रिस्टल्स को दे देते हैं, राइट, एंड देन वी कैन टेक आउट क्रिस्टल्स अकॉर्डिंगली. क्रिस्टल्स एग्जैक्टली टैरो की तरह हम यूज कर सकते हैं. यू कैन यू नो राइट डाउन, आप तो जैसे ये क्रिस्टल है, दिस इज ऊना काइट, है ना, दिस इज ऊना काइट. अब आप ये देख रहे हैं, इस पे मैंने नंबर लिखा हुआ 1, ये आपको उल्टा मिरर इमेज आ रही होगी, ठीक है. तो ऐसे ही हम क्रिस्टल्स में, मैं क्या करती हूँ, नंबर्स लिख दिए मैंने कुछ, अभी मैं आपको और आगे बताऊंगी हमने ये नंबर्स क्यों लिखे. तो इसको अब हम स्टोन डिविनेशन में यूज करते हैं, कि अगर हम जैसे सपोज टैरो का कर रहे हैं, तो हमने सारे नंबर्स लिख दिए, कप्स लिख दिया, स्वॉर्ड्स लिख दिए, मतलब जो भी है हम आप सारा इसमें लिख दिया. When you are taking it out, you can exactly use it like tarot. ठीक है, अब हम क्यों यूज करते हैं, देखिए, what is the difference between tarot card? Tarot cards are equally good. लेकिन again, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है tarot cards की, crystals क्या होते हैं? Because we consider कि crystals are something which is a part of nature, which is the natural element जो होता है, earth element, that is a crystal. And every crystal has its own divine angel. हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हर क्रिस्टल का अपना एक एंजल होता है, हमें बस उसको इन्वोक करने की जरूरत होती है. जितना क्रिस्टल का पार्ट एंड पीसेस होते रहेंगे, दैट इंडिविजुअल पार्ट, दैट इंडिविजुअल पीस ऑफ अ क्रिस्टल विल हैव द इट्स ओन एंजल. उसकी अपनी एक कॉन्शियसनेस होती है, दैट कॉन्शियसनेस कैन बी कन्वर्टेड इंटू एन एंजेलिक एनर्जी, क्योंकि वो अर्थ से आती है. हमारे अर्थ पे उतने ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे, उतने मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स में उतने एंजल्स हैं, थाउजेंड्स के लैक्स में उतने एंजल्स हैं, हर चीज का अलग एंजल है. तो जो क्रिस्टल्स की अपनी अलग ही पावर होती है, आप क्रिस्टल को अगर हम उसको अट्यून कर देते हैं, अगर हम उसको चार्ज कर देते हैं, दैट क्रिस्टल वर्क्स सेपरेटली ऑन इट्स ओन लाइक अ सेपरेट मैग्नेट, है ना. एक मैग्नेट, आप कितने मैग्नेट के कितने भी टुकड़े कर दो, फिर वो सेपरेट काम करने लगता है ना, ऐसे ही क्रिस्टल काम करता है. मैग्नेट की एनर्जी हमें इसलिए पता चल जाती है क्योंकि फिजिकल लेवल पे वो किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है या रेपल कर सकता है. बट क्रिस्टल्स क्या है, हमें सटल एनर्जी हमें उनकी पता चलती है. ओके, तो क्रिस्टल्स को हम इसलिए डिविनेशन में यूज करते हैं, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द अर्थ. वो वाटर से कनेक्टेड है, वो एयर से कनेक्टेड है, वो अर्थ से कनेक्टेड है, बिकॉज व्हेन दे वर मेड, दे यूटिलाइज्ड ईच एंड एवरी एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द अर्थ. ठीक है, और उसको किसी ना किसी फॉर्म में उन्होंने अपने अंदर ट्रैप कर लिया, और वो अभी के मेड नहीं है. सोचो ये क्रिस्टल कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर से दे आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, उनके अंदर कितने सालों की एनर्जी होगी. ठीक है, तो वो एक अपने आप में, अगर हम सोचते तो अपने आप में एक डिवाइन फॉर्म है. These angels are surviving from so many millions and millions of years. They have witnessed so many things. कितनी बार उन्होंने पृथ्वी का मतलब कि कोई सभ्यता बनी है, उजड़ी है, कितनी बार उन्होंने ये चीज देखी होगी. They have witnessed so many आपकी सभ्यताएं.